ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार रशिया और यूक्रेन पर लोग प्रश्न पूछे जा रहे थे और उस पर जो मैंने पहली प्रिडिक्शन दी थी कि 6 अप्रैल तक या उस डेट के आसपास युद्ध समाप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही थी मुझे, परंतु ये जो गणित मैंने किया था निकाला था वो सही नहीं बैठा, ये कैलकुलेशन सही नहीं हुई। देखिए, जब युद्ध का कैलकुलेशन होता है, महामारी की कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पुराने फैक्ट को जोड़कर देखा जाता है। जब राहु केतु को शनिदेव दृष्ट कर जाते हैं या साथ में हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी युद्ध की स्थिति बहुत तेजी से बन जाती है। आइए हम देखते हैं जो परमाणु विस्फोट इससे पहले हुए थे, वो 6 अगस्त 1945 में हुआ था, हिरोशिमा में हुआ था और इसका जो चार्ट है वो भी मेरे सामने अवेलेबल है और पुतिन का भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो आखिर क्या पुतिन के मन में चल रहा है, आइए हम इसको चेक करते हैं। मैंने पहले ही बताया लगन कुंडली से केवल इसकी गणना करना सही नहीं होगा, एक कठिन कार्य है किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। महामारी के अंत तिथि को निकालना और युद्ध की संभावना कब खत्म हो जाएगी एग्जैक्ट डेट निकालना, ये थोड़ा कठिन वाला कार्य है। शायद इसीलिए एग्जैक्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर जल्दी नहीं बैठती है किसी की, चाहे वो कोविड की बात कर लीजिए चाहे युद्ध की बात कर लीजिए। लेकिन अब जो मैं लॉजिक बता रहा हूं उसको देखिएगा। 6 अगस्त 1945 में जब परमाणु विस्फोट हुआ था उस समय शनि राहु के साथ उपस्थित थे और जब शनि राहु के साथ उपस्थित होंगे तो केतु की दृष्टि तो पड़नी है और मंगल भी जो थे वो राहु से द्वादश स्थान पे थे, तो मंगल सेनापति है। देखिए ब्लास्ट होना, ब्लास्ट मतलब क्या चीज है आप ये सोचिए। एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं ब्लास्ट वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी ऊर्जा का गिरना, कहां पर, पृथ्वी तत्व पर जाकर गिरना। तो मंगल की जो उपस्थिति 6 अगस्त 1945 में बनी थी वो राहु केतु के सापेक्ष द्वादश स्थान पर थी और मंगल उस समय पृथ्वी तत्व में ही अवेलेबल थे, वृष राशि में थे और पृथ्वी तत्व वृष राशि मानी जाती है और राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन था और शनि के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना और राहु केतु के रिस्पेक्ट में द्वादश मंगल का होना, ये पूरी संभावना बता रही थी कि कोई एक बड़ी विपत्ति जरूर आएगी और एक बड़े अमाउंट में ऊर्जा का निकलना हो सकता था। तो बड़े अमाउंट में ऊर्जा निकली क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है तो बेसिकली उसके अंदर चेन रिएक्शंस होते हैं और चेन रिएक्शंस जो होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम हो गया उस पर जब न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराते हैं तो एक चेन रिएक्शंस बनता है और जब ये चेन रिएक्शन बनता है तो प्रत्येक जब न्यूक्लियस छोटे छोटे जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो उस कंडीशन में लगातार लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी सभी को खत्म कर देती है। तो क्या यही कंडीशन अभी भी बना है, तो देखिए ऐसी कंडीशन बनी हुई थी, ऐसी कंडीशन अभी बनी हुई थी लेकिन ये कंडीशन जो है मंगल देव ने जैसे ही राशि परिवर्तन किया 7 अप्रैल को, वैसे ही शनि से मंगल अब सेकंड हाउस में चले गए लेकिन मंगल के ही राशि में उपस्थित हैं, मंगल के ही राशि में उपस्थित हैं, इस कारण से थोड़ी परेशानी अभी भी शायद दिखाई दे रही है। तो केतु की जो पांचवी दृष्टि है और साथ में राहु की सॉरी शनि की जो तीसरी दृष्टि वो नीच स्थान पर पड़ रही है और ये नीच स्थान पर पड़ना एक प्रकार से एक ब्लास्ट होने की बड़ी संभावना अभी भी इनकार नहीं की जा सकती। लेकिन अभी युद्ध में इतने ज्यादा मिसाइल्स दागे गए हैं, इतने ज्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं, तो आप रफली मान के चलिए कि जिस तरीके से यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया है
उस तरीके से ये थोड़े थोड़े एनर्जी मिलाकर एक बड़ा लार्ज एनर्जी का तो फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए। युद्ध में ना ही पुतिन की जीत है ना ही जेलेंस्की की जीत है, इसमें तो जो नागरिक है जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी हत्या हो जाना, ये दोनों राष्ट्रपति आपस में लड़ते रहेंगे और इसका बुरा प्रभाव पूरे वर्ल्ड में फैलने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे स्थिति, और शनि अपने मूल त्रिकोण में जा रहे हैं, और मूल त्रिकोण में जाते हैं तो शनिदेव बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और शनिदेव का रिलैक्स्ड हो जाना जो मंद गति से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैंने किया उसका पूरा आपको ए टू जेड ज्योतिषीय रूप से समझा दिया है, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ कि 6 अप्रैल वाला जो डेट था वो प्रिडिक्शन सही नहीं गई, इस युद्ध की समाप्ति को लेकर कहा गया था, लेकिन अब जो डेट आ रहे हैं इसमें मैंने हर तरीके से उन गलतियों को देखा है कि कहां पर प्रॉब्लम चल रही थी, और उसके बाद ये फाइनल डेट मैंने निकाल दिया है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जब भी मैं लाइव होऊंगा तो आपको ये समय से उपलब्ध हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओम।